हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्म स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। सब्सक्राइब, कमेंट एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। सो फ्रेंड्स, आज हम जो है थायराइड की जो मेडिसिंस होती हैं उसके बारे में देखेंगे। ये आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम डिस्पेंसिंग के लिए जाते हैं तो आपसे कोई ये नहीं बोलेगा कि थायराइड 12.5, थायराइड 25 हमें दीजिए। वो कहेगा एल्ट्रोक्सिन। और आपको जब ये ही नहीं पता होगा कि एल्ट्रोक्सिन क्या होता है, थायरोनॉर्म क्या होता है, तब आप उसको डिस्पेंस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये थायराइड 12.5 है। ऐसे थायराइड की जो टैबलेट्स होती हैं वो 25, 50, 75, 100 में आती हैं। इसको एल्ट्रोक्सिन कहते हैं। एल्ट्रोक्सिन की स्पेलिंग जो है वो है ELTROXIN, एल्ट्रोक्सिन N। IN तो आपको जब ये पता होगा कि इसे एल्ट्रोक्सिन कहते हैं, किसी ने बोला एल्ट्रोक्सिन 50, तो आपने जो 50 की वो जो है ऐसी एक बोतल होती है 50 की, वो दे दी। 12.5 मांगी तो 12.5 दे दी। ये आपको डिस्पेंसिंग में बहुत हेल्प करेगी। जो एल्ट्रोक्सिन है ये हाइपोथायरॉयडिज्म में यूज़ होती है। और हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है BMR, वो जब इंसान का कम हो जाता है, अगर चिल्ड्रंस में कम होता है तो उसे बोलते हैं क्रिटिनिज्म। उसमें क्या होता है, जो चिल्ड्रन होता है वो फिजिकली एंड मेंटली रिटार्डेड होता है। अगर यही केस अडल्ट में देखा जाए कि अडल्ट में अगर जो थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम हो रहा है तो माइक्सिडेमा डिजीज होती है। उसमें क्या होता है, द पर्सन बिकम फैटी। उसमें जो है BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाता है। अगर किसी में बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है स्लो हो गया है तो वो अपनी जो कैलोरीज है उतनी बर्न ही नहीं कर पाएगा। और जब कैलोरी बर्न नहीं होगी तो उस पर एक फैट की लेयर, वो धीरे 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 फैट की लेयर इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको अलग से ही वो पर्सन जो है दिखने लगेगा कि हाँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कोई डिसीज़ से ये सफ़र कर रहा है। तो उस कंडीशन में भी जो है जो पर्सन है वो फिजिकली और मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम ये थायराइड देते हैं। और इसका जो बेसिकली यूज़ है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म में है। अगर मेटाबॉलिज्म हमारा सही है तो हमें बहुत कम चांसेस होते हैं कोई डिजीज़ होने के। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द थायरोनॉर्म। और इसी तरीके से इसकी अलग अलग कैटेगरी, जैसे 12.5, 25, 50, 75 और 100, उस पर्सन को कितने डोज की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम उसको ये जो है डिस्पेंस करते हैं। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द थायरोनॉर्म।